नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पाठोपस्थान या फिर प्रस्तावना कौशल लेकर आए हैं। अगर आप वाकई में ही प्रस्तावना कौशल सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और टिके रहिए, डटे रहिए, आपको किसी और वीडियो पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो आज देख लीजिए किस तरह से आपको एक परफेक्ट प्रस्तावना कौशल बनाना चाहिए। पहले देख लीजिए विषय, यहाँ पर आपको विषय वही विषय डालना है जिस विषय से आप बीएड कर रहे हैं। उसके बाद में प्रकरण, और प्रकरण यहाँ आपको अपना प्रकरण लिखना है, उसके बाद में उसको अंडरलाइन कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण आज का है सूक्ष्म जीव, और दिनांक आपको वही दिनांक डालनी है जिस दिनांक आप अपने लेसन को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और कक्षा आपको वही कक्षा डालनी है यहाँ पर जिस कक्षा का आप लेसन बनाकर ले जा रहे हैं, और शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु में भी आपका यही प्रकरण ही आ जाएगा। उसके बाद में देखिए छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रियाओं में आपके वो 5 क्वेश्चन है जो प्रस्तावना कौशल में इंपॉर्टेंट होते हैं वही लिखने हैं, और उसके बाद में देख लीजिए छात्र और छात्रा क्रिया में वही आंसर लिखने हैं जो आप अपने बच्चों से पूछना चाहते हैं और बच्चे आपको आंसर देने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, हम मनुष्य तथा पेड़ पौधे क्या है। तो यहाँ पर छात्र और छात्रा क्रियाओं में आ जाएगा सजीव। उसके बाद में आपको सजीव से ही आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है। ऐसे सजीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन है वो सूक्ष्म जीव से ही स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपकी क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। तो सूक्ष्म जीव से आपको तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किस तरह से होगा, सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से है, तो यहाँ पर छात्र और छात्रा की क्रियाओं में आ जाएगा बैक्टीरिया, सेवाल, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस। इनमें से आपको एक है वो शब्द लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है। तो बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं या लाभदायक होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बैक्टीरिया नाम आ गया, तो यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं, यानी बैक्टीरिया है वो आपके लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इस तरह से आप छात्र और छात्राओं की क्रिया में लिख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आपको कौन सा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर इस तरह से लिखेंगे, या फिर लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में बताइए। तो ये क्या हो गया, समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया, इसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद में देखिए आप उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे, अच्छा बच्चों आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर अच्छा बच्चों आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आप अपना उद्देश्य है वो कथन वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप ये सभी बताकर और अपने जो प्रकरण है उसको अंत में अंडरलाइन करना होता है, और यहाँ पर जो आपका ये देख लीजिए प्रकरण है इसको आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए अंत में। अगर आप अन्य सब्जेक्ट्स का देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है माइक्रो टीचिंग प्लान के नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए, आपको सभी प्रकार के कौशल भी मिल जाएंगे, और आपको क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए उसी में आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल के साथ।